हमीरपुर जिला वो हिमाचल के लोग गोवा में लगभग एक महीने से लॉकडाउन होने के कारण फंसे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग मजदूरी का काम करते हैं तो कुछ छात्र हैं। इन लोगों का कहना है कि गोवा सरकार हमें बसों में घर भेजने के लिए राजी है और सभी को कर्फ्यू पास देने के लिए भी तैयार है, पर इतने सारे लोग बसों में कैसे घर पहुंच पाएंगे। आपको बता दें कि गोवा में हिमाचल के लोगों की संख्या करीब 2000 के करीब है और रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। हमीरपुर जिला के भोटा के साथ लगती सौर पंचायत के महेंद्र ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपील की है कि हमारे लिए वाहनों का इंतजाम किया जाए ताकि हम अपने घर पहुंच सकें। वर्कर लोग, काम करने वाले मजदूर लोग और छोटा मोटा बिजनेस करने वाले भाई लोग हमारे हिमाचल सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी को हमारा प्रणाम। हम हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं, हम यहाँ गोवा में लगभग 15 से 2000 के बीच में फंसे हुए हैं। हम आरंबोल बीच गोवा में लगभग 300-400 लोग फंसे हुए हैं। हमारा हिमाचल सरकार से अनुरोध है कि हमारा घर जाने के लिए व्यवस्था की जाए। गोवा सरकार हमारे को यहाँ से बसों का प्रबंध करने के लिए तैयार है, हमारे को पास देने के लिए तैयार है, मगर हम इतने लोग बसों के द्वारा कैसे आ सकते हैं? हमारा रास्ते में खाने पीने का और रास्ते का सारा सिस्टम कैसे बनेगा? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए ट्रेन की सुविधा की जाए। हम हिमाचल सरकार से अनुरोध करते हैं, जयराम ठाकुर से हमें निवेदन है कि हम लोगों का सही व्यवस्था की जाए। हम हिमाचल सरकार का आभारी रहेंगे, हमारी व्यवस्था की जाए। हम गोवा में बिल्कुल सेफ है, हमको खाने पीने की हर चीज की सुविधा मिल रही है, हमको रहने का सारा इंतजाम है हमारे लिए, मगर हमें भी अपना परिवार के साथ जाना है, हमें भी अपने परिवार के साथ रहना है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है, हमारे लिए जल्दी से जल्दी घर जाने का कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमें आप, हम लोग आप पे बहुत आभारी है, हमारी इस सिचुएशन को समझे, हमारी इस आपदा को समझे। हम लोग भी अपने घरों से बहुत दूर है, हम लोग, हमारे परिवार हमारे लिए घर में हमारे लिए तरस रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए तरस रहे, हमारा इंतजाम किया जाए। हम अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, हमारा जल्दी से जल्दी घर के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए।